ये बताने जा रही हूँ कि निजी स्कूलों में सरकारी ड्रेस की योजना यहाँ के जिला कलेक्टर नीरज के पवन ने लागू की है, जिससे बच्चों में हीन भावना समाप्त हो और अपनत्व की भावना बढ़े। जो वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनमें प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को देख करके हीन भावना आती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो काफ़ी सज धज के तैयार होकर टाई लगा के जाते हैं, उनकी बड़ी रंग बिरंगी ड्रेस होती है, और सरकारी स्कूलों के बच्चे खाकी ट्राउज़र और ब्लू शर्ट पहन करके जाते हैं, तो उनमें काफ़ी हीन भावना आती है। उसको दूर करने के लिए हमने एक यूनिफॉर्म लागू करने का व्यवस्था की। पहले हम बहुत हीन भावना अपने मन में सोचते थे, जैसे कि जो लोग प्राइवेट स्कूल के अलग यूनिफॉर्म में जाते हैं तो हम भी सोचते कि इनके जैसे यूनिफॉर्म हमारे पास भी हो। आप प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ती हो? क्योंकि हम गरीब परिवार से, हमारे पापा मम्मी हमारी ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, इसलिए। सरकारी व निजी स्कूलों में समान ड्रेस व समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है, वहीं सरकारी व निजी विद्यालयों का भेद खत्म हो जाएगा। कई निजी छोटे विद्यालयों ने इन नियमों की पालना कर ली गई है, कुछ बड़े विद्यालयों ने इन नियमों की पालना नहीं की है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएँ प्राइवेट स्कूलों की जैसी हो जाती हैं तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार हैं। पता है आपको सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म तो एक कर देंगे। स्कूल के कोई ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओनली यूनिफॉर्म समान करने से ही कुछ नहीं होगा, और भी कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें भी समानीकरण होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल है उनका प्राइवेट होगा वैसे पूरा पतन हो चुका है, और अच्छे अभिभावक सरकारी स्कूल पढ़ाना नहीं चाहते। तो क्या आपको सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म उस तरह की चलेगी तो आप उस स्कूल में जाना पसंद करोगे? सरकारी नहीं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ठीक नहीं है और वहाँ पे पढ़ाई भी ठीक नहीं होती है। आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजती हो? उसमें पढ़ाई भी कम है और बच्चे उधम भी करते हैं, बच्चों के बच्चों का भविष्य प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा मानते हैं, इसलिए। मैं सुनीता कसेरा, मेरे भी 3 बच्चे हैं, वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन इस ड्रेस को बदलने से मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजूंगी। यदि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलती है तो मैं सभी अभिभावकों से अपील करती हूं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें। सुनीता कसेरा, इंडिया नेट के लिए।